हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर पे। दोस्तों, स्नैक रेस्क्यू के लिए अभी हम मुंगेर डीजे कॉलेज के पास कैंपस में आए हैं। यहां एनसीसी टीचर हैं, उन्हीं का क्वार्टर है और थोड़ी देर पहले इन्होंने यहां से हमें कॉल किया था कि इनके घर में एक कोबरा सांप दिखाई दिया है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं उसके रेस्क्यू के लिए, तो बने रहिए साथियों वीडियो में, चल कर देखते हैं। हेलो, उधर से नहीं आओ, उधर से नहीं। अरे रुपेश, वहीं तो उठावे। लोगों का कहना है कि इस टंकी के नीचे जो है वो कोबरा सांप बैठा हुआ है, तो सावधानी से निकालना होगा दोस्तों, जहरीला सांप है। बने रहिए, हम इसका रेस्क्यू करते हैं। हाँ है, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये स्नेक जो है टंकी के नीचे यहाँ बैठा हुआ है। तो साथियों बने रहिए वीडियो में, हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये सांप जहरीला सांप है, अक्सर ऐसी जगहों में सांप छिपने के तलाश में छिप जाते हैं यहाँ के। चलिए अब हम इसका रेस्क्यू करते हैं। कल शेयर कर दीजिएगा सर। कहाँ पे कल, कब डालेगा? आज शाम तक आ जाएगा। थोड़ा शांति रखिए आप। तो आप देख सकते हैं साथियों, काफी बड़ा कोबरा है। आप देख सकते हैं साथियों, ये काफी बड़ा कोबरा सांप है और ये बगीचे में घूमता होगा, चूहे खाता होगा और यहीं छिप जाता होगा। और सर्दी का समय है, सर्दियों में जो है सांप अक्सर हाइबरनेशन पीरियड में जाते हैं, शीत निद्रा में, जिस कारण वो खाना पीना छोड़ देते हैं और सिर्फ धूप लेकर जिंदा रहते हैं। तो अभी यह सांप काफी ठंडा है, वरना अगर धूप सेक लेता तो ये काफी अग्रेसिव हो जाता। आप देख पा रहे हैं अपने हुड भी ठीक से नहीं फैला रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है। हम बताते चले साथियों, ये जो स्नेक है इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, और ऐसा सांप यदि आपको बाइट करता है तो दोस्तों आपको सबसे पहला उपचार यही है कि आप घबराइए मत और जल्दी से जल्दी किसी नजदीकी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जाइए और वहां जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इसके जहर से बच सकते हैं। दोस्तों, सांप कोई भी हो, कभी भी आपको बाइट करे, कभी भी भूल से झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर जहरीला सांप हुआ तो आपकी जान चली जाएगी, वो झाड़ फूक आपके काम आने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका रेस्क्यू करते हैं। देख पा रहे हैं काफी शांत है। जरूरी नहीं है कि हर सांप का जोड़ीदार हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू करते हैं। रसल वाइपर्स को फोन करता हूँ। इसमें कौन छोड़ देते होंगे आपको? जंगल में ऋषि तो आपने देखा दोस्तों, ये कोबरा स्नेक है और हम लोगों ने इसका अच्छी तरह से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और अब हम इसे ले जाकर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। तो उससे पहले हम एक जानकारी देना चाहेंगे साथियों, कुछ लोग जो है, कुछ नवयुवक हमारी देखा देखी जो है स्नेक रेस्क्यू कर लेते हैं और खुद से डब्बे में बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग प्रोफेशनल है, हम लोगों को पता है अगर कभी भी स्नेक बाइट हो जाए तो क्या करना है।
जो कि लड़के लोग अभी नए हैं उन्हें पता नहीं रहता, वो हमारी नकल करके सांप को रेस्क्यू तो कर लेते हैं, लेकिन इन केस अगर बाइट हो गई तो काफी जान भी चली जाती है, इसलिए हमारी नकल ना कर...